तौहीनी अदालत केस, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से हफ्ते तक जवाब मांग लिया। अदालत के पास मौजूद मवाद के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को नोटिस होना चाहिए। अदालत इस केस में बहुत तहम्मुल से काम ले रही है, इमरान खान को फिर भी वजाहत का मौका दे रहे हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, इमरान खान के वकील को तमाम वीडियोज भी फराहम करने की हिदायत। इंसाफ के लॉन्ग मार्च का छठा रोज इमरान खान कंटेनर पर सवार, काफिले गुजरांवाला से अगली मंजिल की जानिब रवा दवा। शुरुका का इस्लामाबाद के रास्ते में जगह जगह पड़ाव, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पाक चीन दोस्ती बुलंदियों की नई राह पर, वजीर आजम के बीजिंग में चीनी सदर और वजीर आजम से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा तालुकात पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर भी बातचीत। सी पैक समेत कसीरुल जहती तावन बढ़ाने और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक। चीनी कंपनियों का पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों में गहरी दिलचस्पी का इजहार। कराची में पीने के पानी की फराहमी समेत दीगर मंसूबों में सरमायाकारी की दावत कबूल कर ली। 10,000 मेगावाट शमसी तवानाई के मंसूबे पर मिलकर काम करने की पेशकश। चीनी कंपनियों को वाजिबुल अदा 160 अरब रुपए की अदायगी कर चुके। गवादर एयरपोर्ट पर काम रवा साल के खिताम तक मुकम्मल किया जाए, वजीर आजम शहबाज शरीफ। शरीफ बरादरान और उनके बच्चों का फोकस पैसे ठिकाने लगाने पर है। मौजूदा निजाम को बदलने के लिए सबको हिस्सा डालना होगा। आवाम हकीकी आजादी मार्च का हिस्सा बने। खुरम दस्तगीर ने मान लिया, उन्होंने इमरान खान के खिलाफ घटिया बैनर्स लगवाए, पंजाब हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करे, फवाद चौधरी। चंद फरलोंग का मार्च रिंग रहा है, जब तक लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा इलेक्शन की तारीख आ जाएगी। हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी, आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होंगे। अब से इक्तदार मार्च कातिल मार्च बन चुका। इमरान खान के खिलाफ बैनर्स लगवाने से मेरा ताल्लुक नहीं, वफाकी वजीर खुरम दस्तगीर। इमरान खान अपने मकासद के लिए खून खराबा कराना चाहते हैं, ये मुसलसल झूठ बोलकर अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म आज भी इदारों के खिलाफ झूठी साजिश कर रहे हैं। हकीम सईद ने भी कई साल पहले इमरान खान की हकीकत बता दी थी। शर्जील मेमन। T20 वर्ल्ड कप में एक और फतह हासिल करने का मिशन, कौमी टीम का ट्रेनिंग सेशन, खिलाड़ियों की बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तानी टीम कल जनूबी अफ्रीका के मध्य मुकाबिल होगी। और पाक जनूबी अफ्रीका मैच से कबल कौमी टीम को बड़ा धचका, फखर जमान एक बार फिर इंजरी का शिकार। कौमी बल्लेबाज प्रोटीज के खिलाफ मैच के लिए दस्तयाब नहीं होंगे।